हेलो, ये वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना और जो मैं कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनिए और उन बच्चों को ज़रूर दिखाइए जो एडोलेसेंट है, किशोरावस्था में हैं। 10 साल 9 साल से लेकर 18 19 साल तक के बच्चे, या मैं बोलूँगा 22 23 साल के युवा भी। मैंने क्लिनिक पर एक परिवार देखा आज और उनके बच्चे ने, उन्होंने बताया कि सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। कारण मैं नहीं बताऊंगा, कारण बहुत ही सिली था, बहुत ही, जो किसी भी वयस्क के लिए बहुत मामूली सी बात है, लेकिन इन युवाओं को, इन किशोर लोगों, बच्चों को कभी कभी बहुत ही वो बात गंभीर लग रही होती है, जो वयस्क जो कि अनुभवी हो जाते हैं उनके लिए वो बहुत छोटी होती है। तो बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा दोस्त पता है आपका क्या है? कौन है सबसे बड़ा, सबसे करीबी दोस्त कौन है? सबसे करीबी दोस्त आपके कोई हैं हमेशा हमेशा, तो वो समझिए आपके माता या पिता हैं। वे जैसे भी हों, कितने भी स्ट्रिक्ट हो, कितने भी इलिटरेट हो, ना समझ हो, कोई भी फील्ड से संबंध रखते हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो आपके माता पिता, वे आपके सबसे बड़े मित्र हैं। और किसी भी समस्या में जो आपको लग रहा है जिससे आप नहीं निकल पाएंगे, वो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि माता या पिता, दोनों से ही शेयर कीजिए, जिससे भी आप ज़्यादा करीब महसूस करते हैं और फ्री महसूस करते हैं उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। आपको कैसी भी खराब से खराब बात लग रही हो, मेरे भी बच्चे युवा हैं और मैं उनके यही बोलता हूँ कि तुम जिंदगी में कैसा भी ब्लंडर पटक देना, ये ध्यान रखना कि वो ब्लंडर तुम्हारे पापा ने भी ज़रूर किया होगा और वो उससे ज़रूर गुजरे होंगे। तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि उस परिस्थिति से आप नहीं निकल सकते हो। जिंदगी में सुख और दुख बच्चों दोनों ही लगातार आते रहते हैं, ऐसे 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 हमेशा आते रहेंगे। कोई भी लाइफ, दुनिया की किसी भी लाइफ को ले लो, वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी आप देखते हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे दूसरी फील्ड में अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर हो, लता जी जो हो, उनकी, उनका एक इंटरव्यू सुनो लता जी का कि उन्होंने क्या कहा है। तो कोई भी हो जिंदगी में, कितना भी सक्सेसफुल आपको दिखाई दे रहा हो, उसकी जिंदगी में भी दुख और सुख के उतार चढ़ाव वैसे ही होंगे जैसे आपके। तो इन दुख के पलों में, इन परेशानियों के पलों में, जिस भी वजह से आपको लग रहा हो सकता है वो पढ़ाई अच्छी ना हो, हो सकता है किसी दोस्त से लड़ाई हो गई हो सकता है किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप का कोई आकर्षण हो या प्यार हो और आपको किसी ने लगता है कि रिजेक्ट कर दिया या किसी ने धोखा दे दिया, चाहे जैसी भी बात हो, हर उस परिस्थिति से आप निकल पाएंगे। उतार चढ़ाव होते हैं ज़िंदगी में और आपके पेरेंट्स जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं उतार चढ़ाव को देखने के, वो ज़रूर गाइड करेंगे। दूसरी बात, यदि आप माता पिता हैं, अभिभावक हैं, तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि फ्रेंडली बिहेवियर रखिए, इंटिमिडेटिंग नहीं। उनको डराइए मत कि, या कि मतलब कुछ आपको पता चल जाए तो वो बताना ही ना, मतलब बताना ना चाहें, आपसे छुपाना चाहें चीज़ों को, ऐसे माता पिता मत बनिए। बहुत ही फ्रेंडली रहिए, जज मत कीजिए अपने बच्चे को, और मॉरली सही होने की आपको शिक्षा देना है लेकिन जज नहीं करना है उनको, उनकी परिस्थिति, उनकी गलतियों के लिए, उनकी गलती के लिए उनको समझाना तो है लेकिन सपोर्टिव रहना है। ये ध्यान रखिए कि आपको एहसास कराना है अपने बच्चे को कि आप उसके सबसे बड़े मित्र हैं और बच्चे किसी भी अंदरूनी से अंदरूनी बात को आपको बता सकें। बहुत छोटी छोटी बात के लिए ऐसे एपिसोड हो जाते हैं, ये तो एक्सट्रीम है जो ये एपिसोड, ये जो अटेम्प्ट करते हैं बच्चे, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस में जहां इस तरह के एक्सट्रीम कदम तो नहीं उठा रहे होते हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, अंदर ही अंदर डिप्रेशन में रह रहे होते हैं और उनको मानसिक तनाव खाया जा रहा होता है और उनके परफॉर्मेंस करियर में नहीं रिफ्लेक्ट होता, वो सपने नहीं देख पाते, विजन नहीं देख पाते और उनको उस पर्टिकुलर बात के लिए, क्योंकि वो लेस अचीवर हो रहे होते हैं इन तनावों की वजह से, तो उनको उस लेस अचीवमेंट के भी सब लोग जज करने लगते हैं कि तू मेहनत नहीं करता, तू फोकस नहीं है। हो सकता है कि उनको कोई बात अंदर ही अंदर खाई जा रही हो, तो उनका साथ दीजिए, फ्रेंडली रहिए, फ्रेंड बनकर रहिए। और वो एक डिफरेंट पीढ़ी है, आप डिफरेंट पीढ़ी हैं, आपका काम धक्का देना, पुश करना नहीं, उंगली पकड़कर डायरेक्शन दिखाना है और डायरेक्शन वो नहीं देखना चाहे तो उसको गलती करने दीजिए, थोड़ा गलती करके सीखना भी उसी को आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो, आप भी जानते हैं ये सब, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ नई बात कह रहा हूँ, लेकिन उन बच्चों के लिए नया हो सकता है, काम का हो सकता है, तो बच्चों को ज़रूर दिखाइए, पहुँचाइए, शेयर कीजिए आगे तक। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं कौन हूँ? मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल हूँ, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और हम लोग
इस तरह के किशोर से बहुत ज़्यादा डील कर रहे होते हैं सभी शिशु रोग विशेषज्ञ, और इस तरह की समस्याएं कई बार हम सब के करियर में आती हैं, उनमें से एक मैंने आपको आज शेयर की। थैंक यू वेरी मच।